रूस दे हमले तो बाद सारी दुनिया यूक्रेन नु तबाह हुंदे हुए देख रही है और यूक्रेन रूस वर्गे ताकतवर मुल्क दा बड़ा ही डट के मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन दे प्रेसिडेंट दी गल करिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दी ता उना दे पॉलिटिकल करियर दी शुरुआत तो पहला वो एक कॉमेडियन सी। उना दे कॉमेडियन तो प्रेसिडेंट बनन दा जो रस्ता है बड़ा ही दिलचस्प है, किसी फिल्मी कहानी नालों घट नहीं है। यूक्रेन दे प्रेसिडेंट दी कुछ खास गल्लां आज शेयर कर दे हां। गल है 2015 दी जदों यूक्रेन दे विच टीवी शो आया सी जिसका नाम सी सर्वेंट ऑफ पीपल और इस शो दी कहानी सी एक अध्यापक हुंदा है जो काफी सिंपल और सरल हुंदा है पर देश दे सरकार और हालातों तो निराश हुंदा है और एक दिन ऐसा संयोग बनता है कि वो अध्यापक देश का राष्ट्रपति बन जाता है और इस शो दे लीड रोल च सी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। हाँ जी, जो आज यूक्रेन दे राष्ट्रपति ने। ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 नू यहूदी परिवार विच होया और 17 साल की उम्र विच ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिता। उन्होंने एक कॉमेडी शो दे विच ऑडिशन दिता और सिलेक्ट हो गए और उस तो बाद एज अ कॉमेडियन और यूक्रेन दे विच काफी फेमस कलाकार रहे। 2014 विच यूक्रेन दी सरकार ने रशिया दे कलाकारां दे उपर बैन लगा दिता सी और सरकार दे विरुद्ध प्रदर्शन करन वालियां चो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी एक सी। और संयोग दी गल ए है कि 2014 तो बाद 2015 दे विच ही टीवी शो आ गया सी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दा जिसका नाम सी सर्वेंट ऑफ पीपल और जिसने लोगों के दिलों में एक नवी उम्मीद जगाई सी यूक्रेन दी पॉलिटिक्स नू लैके, क्योंकि उस समय यूक्रेन दे विच करप्शन बहुत ज्यादा वध गया सी ते लोक सरकार तो बहुत ज्यादा परेशान सी और इस टीवी शो ने उन्हां दे दिलां च एक नवी उम्मीद जगाई सी कि राजनीति विच भी कुछ वधिया हो सकदा है। फिर मार्च 2018 विच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सर्वेंट ऑफ पीपल और उन्होंने इस पार्टी तो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। फिर 2019 विच यूक्रेन विच राष्ट्रपति चुनाव हुईयां और उस दे विच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नू 70% तो भी ज्यादा वोटा पईयां और वो यूक्रेन दे प्रेसिडेंट बन गए। पर स्थितियां इदां दियां बन गईयां कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दे राष्ट्रपति बनन दे 3 साल बाद ही रशिया ने यूक्रेन दे उपर हमला कर दिता और हुण यूक्रेन पूरी तरह इस ताकतवर मुल्क दा मुकाबला कर रहा है और ज़ेलेंस्की दे साहस दी इस वेले पूरी दुनिया दे विच प्रशंसा हो रही है कि उन्होंने रूस वर्गे ताकतवर देश दे अगे हार नहीं मन्नी, उन्होंने उन्होंने अगे हथियार चुक लेने अपने लोगों नू और अपने देश नू बचाउण दे लई। और उत्थे ही दूजे पासे उन्होंने आलोचना हो रही है कि वह रूस दे नाल गलबात करन च सफल नहीं रहे और इंटरनेशनल लैवल ते भी अपने देश लई समर्थन जुटाउण च भी असफल रहे। रशिया और यूक्रेन दे विचाले जो जंग छिड़ी हुई है, तुहानू की लगदा है कि यूक्रेन नू रशिया दे सामने हार मन लैनी चाहिए है या नहीं? कमेंट सैक्शन दे विच अपनी राय जरूर दो।